हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, 12th क्लास है हमारी और मैं एक इकोनॉमिक्स का 2022 का पेपर लेके आया हूँ और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और हम इसको देखेंगे। और देखिए, पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट तभी है जब सब बच्चे क्लासों में हों और कंटिन्यू आप पार्टिसिपेट करें। जैसे 10th क्लास के बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसी तरह से आप इन पर बढ़ चढ़ कर काफी तरीके से अच्छे से हिस्सा लीजिए ताकि हम इसको अच्छे से कर पाए और अच्छे से समझ पाए। तो सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाइए अपनी क्लासों में। देखिए, सबसे पहले आपके सामने इस तरह से आपको पेपर मिलने वाला है। तो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से 2 मिनट जरूर दीजिए और आप पेपर को पढ़िए कि पेपर की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले जो भी आपका रोल नंबर हो, आप उस रोल नंबर को आप जरूर फिल करिए। ठीक है, ये फिल कर लिया आपने रोल नंबर। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स देखिए, पेपर है। उसके बाद आप आइए सीधा कि हमारे कितने नंबर का प्रश्न है। सबको पता ही है ऑलमोस्ट कि हमारा 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का है। और इसी 100 मार्क्स में आप सबसे पहले इसमें कुछ सेक्शन दिए गए, पहला खंड पढ़े, खंड अ तथा ब, सभी 22 क्वेश्चन आपको मिले हैं और सॉरी 32 क्वेश्चन है आपको सब सॉल्व करने हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, सॉरी आपके हिंदी में प्रॉब्लम हो, वो लोग बाकी इंग्लिश में ले सकते हैं। क्लियर है? ऑल दैट 32 क्वेश्चन इन बोथ सेक्शन ए और बी क्या है? कंपल्सरी। आपको दोनों आपको सेक्शन इसके क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं, चाहे उसका फर्स्ट सेक्शन हो या आपको सेकंड सेक्शन हो, अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के अंक जो है समान है, सबके नंबर इक्वल है, 1 से 5 तक मिले हैं और 17 से 21 तक कैसे हैं, अति शॉर्ट क्वेश्चन है। और कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। और 6 से 12 फिर आपके क्वेश्चन है, 22 से 26 है, ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और ये 3 अंक के हैं और प्रत्येक में दिखना है और ये 60 सबसे अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ इनकी लिमिट दी है कि 60 शब्द और शॉर्ट वालों की 20 शब्द और 11 से 33 में दिए हैं इतने और ये आपके 4 अंक के हैं और मैक्सिमम नंबर दिया है इनका 70, सबसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद 14 से 16 है, ये 32 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 6 अंक के हैं। इस प्रकार इनको सारा इन्होंने रेक्टिफाई करके हम लोगों को एक एक करके इसमें दे दिया है। चलिए, सबसे पहले सारे क्वेश्चन पर फटाफट आपकी नजर दौड़ाइए और देखिए और मेरे को बताइए क्या होगा आंसर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न स्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। हमें कुछ वस्तु दी गई है और कह रहे हैं कि स्थापन का एग्जाम्पल है। हमें कह रहे इन द फॉलोइंग एक्सप्लेन ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कौन से हैं, ये आपको इसमें ढूंढना है। जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि देखिए मैं अकेला आपको समझा दूं चिल्ला दूं इससे नहीं होने वाला है। हम लोग मिलकर करेंगे तो ही सैंपल पेपर जो भी हमारे सॉल्व पेपर है वो अच्छे होते हैं। चलिए, भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या होते हैं आपने पढ़े हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। बच्चों, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, मेरी तरफ से इसका आंसर होना चाहिए चाय और कॉफी। चाय तथा कॉफी कैसे हैं सब्स्टिट्यूट, ये इसके आंसर है। कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। कुल परावर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत को के जोड़े प्राप्त होंगे। कितनी बार मैंने आपको शॉर्ट नोट रूप में करके लिखाया, परावर्ती लागत कुल स्थिर लागत कैसे चेंज होती है, सारे चीजों को मैंने आपको बड़े अच्छे से आपको करा रखा है। कुल परावर्ती लागत तथा कुल लागत को अगर हम जोड़ें तो क्या हमको प्राप्त होगा, ये अगर हम इसका आंसर देखें तो जो इसका आंसर है एक्चुअल फॉर्म में, ध्यान दीजिए, कौन बच्चा बताएगा? तो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में हम आपको कुल परावर्तित लागत जो चेंज हुई है और कुल कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज है
यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है उस फिक्स कॉस्ट को हम लोग एड ऑन करके इनको ज्ञात करते हैं। क्लियर है, इतना देख लिए हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की किसी वस्तु को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे हल्का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बच्चों। क्लियर है, जब आप बुक पढ़ रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से पहले चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ाया था। चलिए जल्दी करें फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मेरे पेपर कराने का जब भी फायदा है, जब आप लोग जुड़कर बात करेंगे, मिलकर करेंगे तो और अच्छा लगता है, और चीजें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होती है उनका चीजों का, और ज्यादा अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास भी करते हैं। चलिए करिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करना है। दो का हम आंसर दोनों का देख चुके हैं, बढ़िए। चलिए, बड़ा सरल आंसर है इसका, उपयोगिता इसका आंसर है, यूटिलिटी। देख लिया, अब क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है इन पर। क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या के दो कारण बताइए, दो रीजन आपको बताने हैं चुनाव की समस्या, जल्दी करें। चलिए पहला लिख लीजिए, चुनाव की समस्या के दो कारण हैं, असीमित आवश्यकताएं। चलिए, असीमित आवश्यकताएं, और दूसरा होगा आपका सीमित संसाधन, सीमित साधन, नॉट संसाधन, सीमित साधन, सीमित साधन। दोनों को लिख लीजिए, दो कारण हैं इसके प्राइमरी। चलिए अगला देखिए, बाजार के किस रूप में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में होती है, बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे बच्चों से पढ़ने का क्या फायदा, से बताने का क्या फायदा होगा? आपको जुड़कर आपको आंसर करने होंगे, क्लास में मत आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ज्यादा अच्छा आप अपना आंसर बताइए। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि चुनाव की समस्या है, दो कारण बताइए, तो सब बच्चों को अपने एक पेपर पर या किसी जिस पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं उसको खोलना था, तुरंत उस पर लिखना था आपको। और क्या लिखना था आपको, तुरंत लिखना ये था कि जैसे आप लिख रहे हैं, आप लिखे दो समस्या कारण, तो आपको लिखना था असीमित समस्या है, यानी कि असीमित है, और दूसरा सीमित संसाधन, दो पॉइंट में सीधा लिख देंगे आंसर आपका, एक नंबर आपका सीधा हो गया। आपको क्वेश्चन लिख रहा, बाजार के किसी रूप में एक फर्म का स्वीकार करने की स्थिति को क्या बोलते हैं, बस सीधा लाइन में, वन लाइन में लिख दीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन है। क्या मिला आंसर बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है, किसी मतलब बाजार के किसी रूप में कीमत को स्वीकार करने की स्थिति क्या होगी, तो आंसर है पूर्ण उपयोगिता। क्या होगा, पूर्ण उपयोगिता जो है इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, पूर्ण उपयोगिता। चलिए, तो आई होप कि आपने एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, 2022 का पेपर है ये, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लंबा क्वेश्चन है, देखने जा रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ध्यान रखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है, हा सीमांत उपयोगिता के नियम बताइए। क्वेश्चन मैंने करा रखा है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको लिखवा भी रखा है, अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको नोट रूप में ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। सीमांत उपयोगिता आपको याद आ रहा होगा कि सीमांत उपयोगिता क्या थी, कैसे हम लोग इसको देखते थे वस्तु के प्रयोग में। क्लियर है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं, तो
तो आपको याद आना चाहिए सीमांत उपयोगिता का मतलब था कि चलिए चल चल बता रहे बच्चों को इसका। चलिए बताइए, देखिए जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त उप इकाई का प्रयोग जब हम करते हैं उसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। यानी कि जब किसी यूनिट का इकाई का हम लोग क्या करेंगे, एक देखिए ऐसे लिखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की अतिरिक्त उपयोग की इकाई से किसी वस्तु की अतिरिक्त उपयोग की इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो वृद्धि होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कुल उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। अगला है ह्रासमान उपयोगिता। देखिए जब किसी इकाई का बार बार प्रयोग किया जाता है, क्या है? प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, तो सीमांत उपयोगिता को आपने देखा कि कैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का हम लोग आपका प्रयोग करते हैं तो उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और बार बार अगर हम किसी का प्रयोग करें तो वो कैसे आपका जो है हास माने बदल जाती है। आपने इसको इस लेक्चर के अंतर्गत देख लिया, कर लिया, समझ लिया। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, और घर से ही कुछ वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको कल जो है घर से ट्राई करके लाइए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये 7, 7, 8, 9 जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आप इनको घर से अटेम्प्ट कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।